हे गाइस, आप देख रहे हैं फिफ न्यूज़। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी अभी दोस्तों मैंने पूरा इवेंट देखकर ख़त्म किया जवान का, जो कि दुबई में हुआ। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा फैंस वहां पहुंचे थे शाहरुख खान को देखने के लिए। और बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर चलाया गया, क्या नज़ारे थे। यही देखकर दोस्तों इतनी खुशी हुई शाहरुख खान को, जो सम्मान मिला दुबई में एटली को, अनिरुद्ध को। और एटली अनिरुद्ध दोनों देखकर इतना हैरान हो गए। शाहरुख खान की शख्सियत उन्होंने सुनी होगी, लेकिन उन्होंने लाइव देखा दुबई में। और शाहरुख खान जिस तरीके से पूरे दुबई में छा गए आज, और जवान के ट्रेलर की पूरी चर्चाएं हो रही है, पूरे दुनिया में चर्चाएं हो रही है दोस्तों। और ये फिल्म दुबई में इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग लेने वाली है ना, कि आपको याद आएगा जिस दिन मैं पहले दिन का बिजनेस बताऊंगा, दुबई में ये फिल्म सारे रिकॉर्ड अब तक के तोड़ देगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि शाहरुख खान बोट पे बैठ के दोस्तों, और फैंस के बीचों बीच पूरा राउंड लगा के वो फैंस से मिल रहे हैं। ऐसा सुपरस्टार हमने नहीं देखा है। क्या गजब की फ़ैन फॉलोइंग है शाहरुख खान की दुबई में। मतलब मज़ा आ गया दोस्तों देखकर। पैसा वसूल जिसे कहते हैं ना, कि जो लोग पैसे खर्च करके पूरा ट्रैवलिंग करते हुए पहुँचे होंगे अलग शहरों से, दूसरे शहर करते करते वहाँ पहुँचे होंगे बुर्ज खलीफा पे, और उन्होंने ये सारे नज़ारे जो देखे होंगे ना, उनका मतलब सब टाइम, पैसा, मेहनत सब वसूल हो गया। ये शाहरुख खान के प्यार के लिए जो लोग वहाँ खड़े थे ना, मतलब 5-6 घंटे से लोग जो वहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे ना, ये शाहरुख खान का 30 साल का मेहनत है दोस्तों, मेहनत। और जवान का जो ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चला, क्या विजुअल लग रहा है देखने में, क्या मज़ा आ रहा है। और शाहरुख खान के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि भाई फिल्म बहुत गर्म है, फिल्म अच्छी बनी है। और चलिया का अरबिक वर्ज़न भी वहाँ लॉन्च किया गया, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो कमेंट करके बताएं कि आपने भी बुर्ज खलीफा पे जवान का ट्रेलर देखा, आपको कितना पसंद आया, कमेंट करके बताएं। और FF न्यूज़ देखते रहें, और बहुत सारी जानकारी दोस्तों आपको मिलेगी इस चैनल पे। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।